मैं तो थक गई हूँ बोल बोल, अब तुम्हारी बात। तो फिर वापस चलते, वैसे भी वॉक का आइडिया आपका था, लेट्स गो बैक, हम काफी दूर तक आ चुके हैं। लेकिन मैं तो बहुत आगे तक जाना चाहती। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि मैं वहाँ तक जाना चाहती हूँ जहाँ सूरज है, मगर तुम्हारे साथ। Then I think you're mistaken. मैं बिल्कुल भी दूर तक नहीं जाना चाहता, और वो भी आपके साथ। क्यों? हर बात का जवाब जरूरी नहीं होता। हम कितने अरसे बाद इस तरह बीच पे आए हैं। सही कह रही है, मसरूफियत इस कदर होती थी कि टाइम ही नहीं मिलता था। मामा अच्छी लड़की है। हाँ वो तो है। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों माशाल्लाह से। अगर आप भी वही सोच रही हैं जो मैं समझ रहा हूँ, तो पहले बेटे से तो पूछ रहे हैं। अरे हमने कौन सा सुजात से पूछा था उसकी शादी के बारे में। ठीक है देख लें, कहीं पहले से एंगेज ना हो। उसका तो मुझे पता नहीं। तो फिर जैसे आपकी मर्जी, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं होमी को सरप्राइज देना चाहूंगी, उसकी एंगेजमेंट करना चाहती हूँ मामा के साथ। Okay, I'm with you. मैं जब भी घर फोन करता हूँ फोन बिजी मिलता है, आखिर कोई जरूरी काम पड़ सकता है मुझे। जितना आप बोल रहे हैं ना, इतना भी फोन बिजी नहीं होता। कौन करता है, किसके फोन आते हैं? किसके फोन आने हैं भाई, माया की सास का फोन आ जाता है और मैं भी बात कर लेती हूँ बस। ठीक, मैं फोन कटवा रहा हूँ, पता कितना मिला है? अब फोन ना कटवाइएगा, फिर आप ऑफिसेज का चक्कर लगाते फिरेंगे। बस मैंने कह दिया है ना, फोन कटवाना ही है आपने तो कोई सस्ता सा फिर मोबाइल ला दें घर पर। मोबाइल? मैं ये फोन कटवा रहा हूँ और मोबाइल भी नहीं आएगा, हद हो। तौबा नहीं, इनको तो कोई ना कोई बोलने के लिए इशू चाहिए ही चाहिए। अब मैं रियान से कैसे बात करूंगी? उससे कहना कि तुम्हें दूसरा फोन दे दे। हाँ ये सही है। ताहिर वाला फोन कर गया वो, मैंने ना जबेरिया को भेज दिया। क्यों यार, अब जिस इंसान से मेरा ताल्लुक नहीं है उसकी निशानियां रखे क्या फायदा? जबेरिया ना मुझे कल पैसे दे देगी तो मैं पैसों का क्या करूंगी? एक अच्छा सा सूट खरीदूंगी अपने लिए। तुम ना कुछ दिन पहले ताहिर के लिए बहुत रो रही थी, याद है ना? हाँ जानती हूँ मैं, अब सारी जिंदगी उदास तो नहीं रह सकती। अब क्या मैं हर वक्त उस बेवफा इंसान के लिए रोती रहूं? सब कल शॉपिंग के साथ चलेंगे। अच्छा तो फिर बताओ हमारे से क्या क्या बातें हुई? यार इंतहाई बोरिंग है तुम्हारा दिन। क्या मतलब? सही कह रही हूँ, जरा सा भी रोमांटिक नहीं है। क्या चाहती हो मामा, कि पहली मुलाकात में तुम्हें वो आई लव यू कह दे? यार ये मैंने कब कहा, इंसान थोड़ी सी अपनी बॉडी लैंग्वेज यूज करता है, जरा सा इंटरेस्ट तो शो करे। फिर ये कि मेरा नाम भी मामा है, उसे इंटरेस्टेड ना कर दिया ना तो फिर बोला हर वक्त मेरे आगे पीछे ना घूमे तो कहना मुझे। वाह जी वाह, सच कॉन्फिडेंस मामा। हाँ मैंने आज तक जो चाहा है वो पाया है, तो तुम्हारा देवर क्या चीज है। मगर ये सब करोगी कब, वो तो आज वापस जा रहा है। वो कहीं भी चला जाए मुझसे नहीं बच सकता। हेलो मामा, बेटा ये तानिया क्यों नहीं आ रही खाने पे? I don't know.
तुम्हारा उससे झगड़ा हुआ है? नहीं तो फिर उसको जाओ लेकर आओ। मामा अगर उसका मूड नहीं तो मैं क्या करूं? तुम भी खाना मत खाओ, बीवी का साथ देना सीखो। पापा ऐसे ही छोटी छोटी बातों पे मूड ऑफ करके बैठ जाते। ठीक है जाओ उसे मनाओ, लेकर आओ उसको नीचे। मुझसे ये चोचले नहीं हो और यही वजह थी जो मैं शादी करना नहीं चाहता। ठीक है मैं जा रहा हूं। मामा कोई जरूरत नहीं अपना सर चढ़ाने की, वैसे भी अपने मैके से आ रही है, कुछ ना कुछ खा लिया होगा। बेटा अगर ऐसा था तो उसको मैके में रहने देते, क्यों लेकर आए उसको? मैंने कब कहा था उससे आने का? उसने खुद मुझे फोन करके बुलाया था कि ऑफिस से मैं उसको पिक कर लूं और वापसी में ढेरों शॉपिंग भी किए। मेरी बात सुनो, नया घर है, नया खानदान है, जरा एडजस्ट होने में वक्त लगता है। इसे भी लड़कियों को थोड़ी स्पेस देनी चाहिए। अच्छा ठीक है, तो खाना खाओ, मैं उसको समझा दूंगी। ठीक है ठीक है। पापा मैं बिलाल की तरफ से। क्या मतलब? रात को इस वक्त? तो क्या हुआ, बहुत दिनों से मुझे बुला रहे। मैंने कहा घर में रहो और अपने कमरे में जाओ, बीबी पहले ही खफा है तुमसे और तुमने बेवक्त की तफरी सोची। कमाल करता है बीबी, मुझे डर है ये कहीं छोड़े हुए रास्तों पर ना निकल जाए। आप तानिया को समझाएं, औरत को मर्द के मुकाबले नहीं आना चाहिए और उसे कहें कि शौहर का दिल जीते। जी मैं बात कर लूंगी। परेशान क्यों? रेहान फोन नहीं उठा रहा। यार मैं ताहिर को भी फोन कर कर आई हूँ, उसका फोन इंगेज जा रहा है। जाहिर है बिजी होगा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पीछे रोता रहेगा वो बैठकर? और तुम उसे फोन क्यों कर रही हो? बस ऐसे ही मैं तो चेक कर रही थी। अब छोड़ दो उसका पीछा, रेहान है ना तुम्हारे लिए लंबी लंबी बातें करने के लिए। ये मर्द कितने दो नंबर होते। लड़कियां भी दो नंबर होती हैं। तुम तंज कर रही हो मुझ पे? जी नहीं, सच्चाई बयान कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, ये फजूल बातें छोड़ो, मेरे लिए एक कप चाय बना के लाओ, सर में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा सुनो, मैं चाय भी बना रही हूँ और दवाई भी लेकर आ रही हूँ। Hello. How are you? Mawa, right? हैरत है, मैंने आपको पहली बार फोन किया और आपने पहचान लिया। लहजा याद रखता। गुड, क्या कर रहे हो? नींद नहीं आ रही थी तो मैं टीवी देख रहा था। कहीं आपको भी नींद ना आने की बीमारी तो नहीं हो गई? क्या चक्कर है, कहीं किसी से दिल तो नहीं लगा लिया? क्या हुआ, आपसे कुछ पूछा है मैंने? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है फिलहाल, बस नींद नहीं आ रही थी तो मैंने कहा मैं टीवी देख लेता हूँ। ये बात है, मैं कुछ और समझी। आपकी जो मर्जी समझे। Anyway, Mawa, I think I'd like to sleep now. आप भी जाके सो जाइए। और इस odd hour में किसी को यूं कॉल करना, I don't think so. That's a very decent thing to do. Good night. Actually.
मैंने भी तुम्हें अपने कदमों में ना झुकाया ना, तो देखना। आ रही हूँ। कौन है? आ रही हूँ। अरे अस्सलाम वालेकुम आंटी। आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बेटी? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं यही सोच रही थी मैं जाऊँ तो मुझे मेरी बेटी का चेहरा देखने को मिले। अब ऐसा ही हो गया। अरे अम्मी आप ही ना कुछ और सोच लेती। तुम भी ना बहुत शरीर हो गये हो, भला मेरी बेटी से ज्यादा कुछ हो सकता है? चलो आंटी आप अंदर से। चलो। और मैं? आप भी आ जाए। और सुनाओ क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक। आंटी आप बैठे, मैं अम्मी को बुला के लाती हूँ। अरे भाई जहाँ अम्मी है मुझे वहीं ले चलो, अब ड्राइंग रूम वाले मेहमान तो हम रहे नहीं है, इस घर के फर्ज हो गए। ठीक चलो। चलो। और मेरा क्या? हाँ फिलहाल मेहमान ही है तो यहीं बैठी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इस तरह अचानक? बस आपसे मिलने को दिल किया था चली आई, तो क्या ना आती मैं? बैठे ऐसी बात नहीं, मैं इसलिए कह रही थी कि आप बताकर आती हूँ तो मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम कर लेती। नसीबा बहन आइंदा से घर वाली बात नहीं कीजिएगा। अच्छा आप छोड़ें, आप ये बताएं कि आप आई किसके साथ हैं? रेहान के अलावा और कौन हो सकता है? माशाल्लाह रेहान बेटा आया है। मायरा रेहान को भी इधर ही बुला लो, वो बेचारा अकेला ड्रॉइंग रूम में क्या करेगा, तुम्हारे अबू भी घर पर नहीं है ना, और अच्छी सी चाय भी बना लो, यहीं बैठकर बातें करते हैं। आपसे बहुत जरूरी काम से आई हूँ। सारा तुम्हें पता है कौन आया? कौन आया? रेहान आया है, तभी तुम इतनी खुश नजर आ रही हो। अच्छा सुनो मैं सलाम करके आती हूँ। ठीक है मैं जब तक चाय बनाती हूँ। मैं आपकी बड़ी बेटी सारा का रिश्ता मांगने आई हूँ, आप इनकार मत कीजिए। आपकी बड़ी बेटी सारा बहुत प्यारी और मासूम है। आपका तो एक ही बेटा है ना? मेरी नंद कनाडा में रहती है और उसने रेहान की मम्मी की तस्वीरें जैसी नेट पे देखी, उसको तो आपकी बेटी सारा अपने बेटे के लिए पसंद आ गई, उसने तो फोन कर करके मेरी जान ही खा ली। बस आप इनकार मत कीजिएगा और मुझे तो बड़ी खुशी होगी। मुनीब वहां डॉक्टर है, अच्छा लड़का है। अच्छा है दोनों बहनें एक ही खानदान में होंगी, बस मुझे आपके यहाँ का इंतजार। बहन मैं कैसे यहाँ कर सकती हूँ, उसका तो रिश्ता हो चुका है बल्कि निकाह भी हो चुका है। आपने पहले तो नहीं बताया? असल में कभी कोई ऐसी बात ही नहीं हुई कि मैं आपको बताती। दरअसल सारा के मामू का बेटा है, कराची में नौकरी करता है, और इनके अब्बू का इरादा है कि दोनों बहनें बीए कर लेंगी और फिर इनकी शादी कर देंगे। मगर अब मैं अपनी नंद को क्या जवाब दूंगी? आप उसे यही कहिएगा कि सारा का निकाह हो चुका है और फिर ये तो नसीबों की बात है ना, वरना आपसे बढ़कर तो हमें कोई नहीं था। भला नसीब से कौन लड़ सकता है, मुनीब अच्छा लड़का है। मुबारक अजरा आपस से कहूंगी वो कोई और रिश्ता ढूंढे। देखिए बहन आप दिल में किसी किस्म का मलाल मत लाइएगा, ये तो सब मुकद्दरों के खेल है। अगर सारा का रिश्ता ना हुआ होता तो मैं ये रिश्ता जरूर करती, बल्कि मुझे खुशी होती कि मेरी दोनों बेटियां एक ही खानदान में जा रही हैं। लेकिन क्या करूं अब मजबूरी। चले जो अल्लाह को मंजूर। पर सारा बहुत अच्छी लड़की है, मेरी दुआ है वो जिस घर में भी जाए राज करे। पता ही ना मूड क्यों है आपका। देखो मैंने तुमसे कहा है कि मैं इस वक्त बहुत थका हुआ हूं और सोना चाहता हूं, इसलिए प्लीज मुझसे कोई बात मत करना जब तक मैं खुद तुमसे बात ना करूं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जीना दुश्वार से ही। क्या हुआ? कहिए सलाम।
आंटी को? हाँ कर लिया। वो सारा क्या है ना, रेहान मेरा ड्राइंग रूम में इंतजार कर रहे हैं। मैंने उन्हें कहा भी कि अम्मी के रूम में चले जाए, आखिर वो कह रहे थे कि वो मुझसे मिलने आए हैं। तुम एक काम करो, जाकर मिल लो, मैं सारे काम कर लूंगा। पक्का? थैंक यू। अम्मी को मुझसे इतनी नफरत है कि वो मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं देखना चाहती, ना जीने देती है ना मरने देती है। आखिर मेरी जिंदगी कैसे कटेगी? अम्मी काश आपके साथ भी मैं भर गई होती। बहुत इंतजार करवाया तुमने, तो आप बताकर नहीं आ सकते थे? अचानक मिलने की खुशी देखना चाहता था। अच्छा तो फिर देख ली। तुम्हारी आंखों की हैरत और गालों की सुर्खी बता रही है कि तुम हैरान भी हो और खुश भी। कुछ गलत किया क्या मैंने? आप ना बहुत बोलते हैं। सिर्फ तुम्हारे सामने बोलता हूँ। वो क्यों? तुम्हारी मौजूदगी मुझे बोलने पे मजबूर करती है। अब झूठ तो ना बोले आप। अपने मजाजी खुदा को झूठा बोलती हो? अच्छा खैर यही छोड़ें, ये बताया अचानक कैसे आना हुआ? एक बहुत जरूरी मिशन से आया हूँ। मिशन? कैसा मिशन? सारा का रिश्ता लेके आया। सारा का रिश्ता? पर किसके लिए? अरे मेरा और किसका, मैंने अम्मी से इल्तिजा की कि अम्मी आपको जान से मार दूंगी अगर आपने ऐसी कोई बात की तो। अरे भाई मरे हुए को क्या मारोगी, हम तो पहले ही तुम पे मर मिटे। अच्छा फिर बताए ना क्या मामला है? यार मेरा एक कजन है डॉक्टर मुनीब, उसका रिश्ता लेके आया। क्या सच कह रहे आप? मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता। कितना मजा आएगा, सारा की भी शादी होगी। सलामकुम रेहान भाई। वालेकुम अस्सलाम। रेहान भाई अंदर आकर चाय पी ले। क्यों, हम यहाँ चाय नहीं पी सकते क्या? नहीं चाय पीनी होगी तो अंदर ही आना होगा, और वैसे भी अम्मी आपको बुला रही। चले फिर अंदर ही चलते। हेलो गुल। सज्जाद कैसे हो? गुड टू सी यू। अल्लाह आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। बिल्कुल ठीक, तुम बताओ किधर गायब हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यही हूँ। मीट माय वाइफ तानिया। हेलो नाइस टू मीट यू, कैसी हैं? हाउ आर बैठो बैठो। हाँ भाई वैसे तुम ना भी कहती तब भी हम बैठते जरूर, और आज कॉफी पिए बगैर नहीं जाएंगे, बहुत दिन हो गए तुमने कॉफी नहीं पिलाई है। मुझे पता है कॉफी पिए बिना तुम नहीं जाओगे, कॉफी हाजिर है जनाब। वैसे सॉरी मैं तुम लोगों की शादी में नहीं आ सकी, उस वक्त अब्रॉड गई हुई थी। इट्स ओके यार। तानिया मैं और गुल स्कूल फेलो थे, 11th के बाद मैं तो अब्रॉड चला गया था पढ़ने के लिए और गुल ने किसी फैशन कॉलेज में एडमिशन ले लिया। बिल्कुल। अच्छा तो पुरानी दोस्ती काफी अरसे बाद बहाल हुई? नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे जब भी किसी अच्छे दोस्त की जरूरत पड़ती है मैं गुल के पास आ जाता हूँ। बहुत जानी दोस्त है ये मेरा। तानिया तुम्हें पता है तुम्हारा शौहर मुझे क्या कहता है? ये कहता है मैं इसकी डस्टबिन हूँ जिसमें ये अपने सारे प्रॉब्लम्स डाल के खुद रिलैक्स हो जाता है। वैसे मैं नहीं चाह रहा था कि तुम ये बात तानिया को बताओ। तो तुम फिर मुझे क्यों कहते हो? अच्छा ये सारी बातें छोड़ो और सुनो, जिस काम के लिए हम तुम्हारे पास आए तुम्हें एक बहुत जबरदस्त किस्म की ड्रेस तानिया के लिए तैयार करनी है जो इससे पहले तुमने कभी ना की। वैसे तो मेरे सारे ड्रेसेस बहुत डिफरेंट और अनकॉमन होते हैं। ड्रेस ऐसी होनी चाहिए कि जब तानिया इसको पहने तो हर तरफ वाह वाह हो जाए। अच्छा चलो कोशिश करके देखते। वैसे तुम्हारे पास कोई आइडिया है कैसा होना चाहिए? नहीं
मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, सारे काम तुमने खुद कर। चलो ठीक है, लेकिन मेरी पसंद तानिया को पसंद आ जाएगी। Why not? क्यों तानिया? चलो ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ कुछ सैंपल्स ले आती हूँ, फिर मिलके डिसाइड करेंगे कि कैसा ड्रेस होना चाहिए। हाँ। ठीक है, ओके, तुम लोग बैठो। चुप चुप क्यों? गुल से जेलस हो गई? मुझे क्या जरूरत है जेलस होने की? इतनी परेशान क्यों हो रही हो? She's just my friend. मैं इसके डिजाइन का कपड़े नहीं पहनी। ये तुम औरतें इतनी शक्की क्यों होती है? क्योंकि हम औरतें अपने शौहरों से बहुत प्यार करती हैं, इसलिए। अच्छा अपना मूड सही करो, देखो वो आ रही है। क्या सोचे? हंसो। गुड गर्ल। सारा, रेहान मुझे बता रहे थे कि वो अपनी किसी कजन का रिश्ता लेकर आए थे जो कि कनाडा में रहता है, और अम्मी ने इनकार कर दिया। मैं कैसे पता? मुझे तो ये भी पता है कि मेरा निकाह मेरे मामूजा कजन से हुआ है, हालांकि मेरा ऐसा कोई कजन है नहीं। अम्मी खिलौती लाभ थी। अम्मी जी ऐसा कैसे कह सकती हैं? वो ये सब कैसे कर सकती हैं? सारा तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो मुझसे नफरत करती है, कुछ भी कर सकती है। मैं उनसे पूछूंगी और रेहान को कहूंगी कि वो अबू जी से बात करे। रेहान के घर वालों को सब कुछ सच सच बता दूंगी। मेरा पागल हो गई, तुम्हारे रिश्ते पे बुरा असर पड़ सकता है। क्यों? अम्मी जी के झूठ से मेरे रिश्ते का क्या ताल्लुक? वो सोचेंगी कि अगर माँ इतनी झूठी है तो बेटी भी झूठी होगी। I'm sorry, सारा। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरी माँ तुम्हारे साथ इतना सब कुछ कर सकती है। रात के 2 बज रहे हैं, तुम कहाँ बिजी होगे? यू मस्ट बी चैटिंग। मेरे पास इन फालतू चीजों के लिए वक्त नहीं, ऑफिस का काम कर रहा था। तुम क्यों अभी तक जाग रही हो? हाँ, जागती आंखों के ख्वाब सोने ही नहीं देते। कैसे ख्वाब? तुम्हारे ख्वाब। क्या मतलब? वही मतलब है जो तुम्हें सुना है। मावा, आई थिंक आधी रात को तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। ठीक है, जाके सो जाओ, मुझे तुम नींद में लग रही हो। बाय। बेवकूफ लड़की, जरा सी बात क्या कर ली, ओवर ही हो गई। I can never even imagine falling for you, my wife, Takhar. कहाँ थे आप? दोस्तों के साथ था। हाँ, लेकिन आपने मुझे कहा था कि आप डिनर पे। हाँ, कहा था कल चलेंगे। हाँ, लेकिन बता तो देते,
सारा दिन इंतजार कर रही थी आपका, आपका सेल भी ऑफ था। क्या मतलब बता देता, तुम घर में बैठी हुई थी, कौन सा रोड पे खड़े होकर मेरा इंतजार कर रही थी, ऐसी कौन सी कयामत आ गई? क्या हो गया आपको सजा? माफी मांगने के बजाय आप प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं बहुत थका हूँ और सोना चाहता हूँ। तबीयत तो ठीक ठीक है मेरी तबीयत। अच्छा बताए ना मूड क्यों ऑफ है आपका? देखो मैंने तुमसे कहा है कि मैं इस वक्त बहुत थका हुआ हूँ और सोना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज मुझसे कोई बात मत करना जब तक मैं खुद तुमसे बात ना करूं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रेहान के कजिन का रिश्ता कबूल कर ले, तुमसे ज्यादा अच्छे घर में तो मैं इसे हरगिज नहीं दूंगी। अच्छा अगर इसका रिश्ता मेरे से भी अच्छे घर में होना पड़ा तो आप क्या कोई भी नहीं रोक सकता? वो मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। सो काम भाभी तू ना मुश्ताक का रिश्ता सारा से करवा दे। मम्मी जी आपको जरा भी शर्मिंदगी नहीं है? आप जानती हैं आपने सारे के साथ क्या क्या किया? आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? इसमें शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है? मैं सारा को बस दूर नहीं बयाना चाहती। अरे तो फिर यही वजह बतानी थी ना उन लोग को, सारा की झूठी निकाह वाली बात करने की क्या जरूरत थी आपको? मैं जानती हूँ मम्मी जी आपकी दिल में खोट है ना, इसलिए उन लोगों से आपने झूठ बोला। अब तो मेरी माँ मत मन, मैंने जो मुनासिब समझा बोल दिया बस। आपको पता है आपके इस झूठ से कितने गलत नतीजे निकल सकते हैं? क्यों तुम्हारे ससुराल वाले कोई तोप चला देंगे? जिस दिन वो लोग रिश्ता तोड़ देना तब समझ चाहिए कि तोप चल गई है, क्योंकि कोई भी एक झूठी औरत की बेटी को ब्याह कर नहीं लाता अपने घर में। कल का रिश्ता तोड़ते ना वो आज ही तोड़ दे, तुम्हारे लिए कोई रिश्तों की कमी है क्या? बड़े अच्छे अच्छे लड़के पड़े हैं, हमारी मर्जी हम सच बोले झूठ बोले किसी को इससे क्या लेना देना भाई। ससुरालियों की हमदर्दन, ससुराल ना हो गया अजाब हो गया। कौन आ गया? कौन? मैं हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रहे हो तुम मुश्ताक? एक चूहिया सी लड़की है तुम उसे काबू नहीं कर सके, बातें करता है तू बड़ी बड़ी, मेरे सर पर सांप की तरह बैठी है वो। मैं आपा क्या करूं, उसके सामने जाता हूं ना पता नहीं क्या हो जाता है, कमजोर पड़ जाता हूं। तुम कुछ करो ना। मैं कुछ करूं? तू कुछ ना करना, अब तक जो कुछ किया ना मैंने ही किया, तुमने कुछ नहीं किया। तो तुम उसको बता दो ना कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं, बात खत्म। मैं उसको बता दूं कि तू उससे मोहब्बत करता है, ताकि वो साफ साफ जाकर अपने बाप को बताए और वो मुझे पर्चा देकर इस घर से चलता करे। बड़ा अच्छा भाई है बेटू। अच्छा तो फिर तुम बताओ ना क्या करूं मैं। देख मुश्ताक तू उस पर अपनी मोहब्बत के डोरे डाल, उसे बता कि तू उससे कितनी मोहब्बत करता है, उसे जरा कोई तोहफे तहाइफ दे, दो चार जोड़े दे, बड़े बड़े पैसों और तोहफों के आगे झुक जाते हैं। मैं आपा वही कर रहा था उस दिन, मैं बीच में मायरा आ गई और वो जलील किया, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। तो उसकी तो फिक्र ना कर, उसे तो मैं पूछ लूँ, बढ़िया ही सायरा की हम आई कर, बस तू जल्दी कर ले, सारा के रिश्ते आ रहे हैं, मैं कब तक उसे तेरे लिए बचा के रखूंगी। रिश्ते आपा आप कौन से रिश्ते आने लग गए उसके? अरे तेरे क्यों ताजिए ठंडे पड़ गए, तुम्हारी बहन है ना कुछ नहीं होने देगी, वो मायरा की सास है ना, वो रिश्ता लाई थी सारा के लिए अपने भांजे का, मैंने तो साफ मना कर दिया भाई, हमने तो सारा का निकाह कर दिया है। अगर उसके बाप को पता चल जाता ना कि अच्छा लड़का है डॉक्टर है, कल की बजाय आज ही शादी कर देता, कुछ कर ले। अब तुम कुछ करो ना। देख तोहफे तहाइफ ना, आजकल की लड़कियां हाथ में पैकेट दिए यूं पिघल गई। अच्छा अभी तो फ्रूट पकड़ो, अगली दफा मैं तोहफे तहाइफ भी लाऊंगा और अगली बार फ्रूट जरा ज्यादा ला। अच्छा दरवाजा बंद कर लो।
पापा खुदा के लिए मेरा काम कर देना है क्या यार? मैं कर दूंगी, तू भी कुछ कर ले, पापा कर दे सारे काम बस। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा क्या सकीना, तुम आज आ गई, आज ही मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी भाभी, काफी महीने हो गए थे, सोचा बच्चों से मिलके ही आ जाऊं मैं। आ जाओ, बच्चियां तो कॉलेज गई हुई हैं। तो कोई बात नहीं भाभी, मैंने कौन सा अभी जाना है, खाना खा के जाऊंगी। वैसे क्या बनाया भाभी, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। कोफ्ते बनाए। अल्लाह भाभी, तुम्हारे हाथ के कोफ्ते खाए हुए कितना अरसा हो गया है। तुम्हारे भी तो बहुत अरसे बाद हो ना, शाम तक तो तुम यहीं हो ना, खाना खा के ही जाना। सकीना तुमने सूट बहुत अच्छा पहना हुआ है। शुक्रिया भाभी, वो मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। सो काम भाभी, लेकिन सकीना मेरा नाम ना आए। पर काम क्या है? पहले तुम मुझसे वादा करो कि मेरा नाम नहीं आएगा। वादा? तुम ना मुश्ताक का रिश्ता सारा से करवाना। भाभी तोबा करें, शादीशुदा एक बच्चे का बाप। तो शादीशुदा हुआ तो क्या हुआ? सकीना तुम्हारा भाई भी शादीशुदा था, दो बच्चों का बाप था जब मैंने उससे शादी की। मुश्ताक देखा भाला है, फिर क्या हर्ष है? बस तुम जुबैर से बात करो। ना बाबा, भाई तो मुझे कच्चा चबा देंगे। देखो सकीना, मुश्ताक सारा को बहुत चाहता है और जहेज का भी मुतालबा नहीं है। रहा उसके बच्चे का मसला, तो वो मेरी बड़ी भावज के पास है, फिर काहे की परेशानी। तुम सकी पुप्पो, जुबैर तुम पर जरा शक नहीं करेंगे। मैं बात करूंगी तो फिर कहेंगे सौतेली माँ है, जरा अच्छा नहीं सोच सकती। मगर भाभी, अगर कुछ नहीं, देखो मैं मुंह मांगा इनाम दिलवाऊंगी तुझे मुश्ताक से। कटोरी वाले झुमके लूंगी, वो भी सोने के। कटोरी वाले झुमके और वो भी सोने के पक्के? लेकिन तुमने आज ही जुबैर से बात करनी है। नहीं भाभी, आज नहीं, छुट्टी वाले दिन बात करूंगी, थोड़ा मैं भी सोच लूं। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन सकीना ये काम होना चाहिए। अरे भाभी समझे, आपका काम हो गया। मुझे लग रहा है तुम्हें बहुत भूख लगी है, मैं रोटियां बनाती हूँ, बच्चियां भी आने वाली होंगी। यार पता होता कि आज स्ट्राइक है तो कॉलेज ही नहीं जाते। तुम्हें शौक था ना आने का, वैसे भी स्ट्राइक तब हुई जब सब ऑफिस और कॉलेज से आ चुके। इंसान ही इंसान का दुश्मन है। मैं काम करती हूँ, मैं रिहान को फोन करती हूँ, उसके पास गाड़ी है, वो हमें ले जाएगा। अजीब लगता है। तो फिर पैदल चले, देखो कोई एक आध रिक्शा आ ही जाएगा। कुछ नहीं आएगा, पता नहीं क्या आफत आई हुई थी तुम्हें आने की। अस्सलामुअलैकुम जी, आज स्ट्राइक की वजह से आप लोगों को कन्वेंस नहीं मिलेगी, मैं आप लोगों को ड्रॉप कर दूं? नहीं शुक्रिया, हम चले जाएंगे। देखिए स्ट्राइक की वजह से आप लोगों को बिला वजह इंतजार करना पड़ेगा, और आप मुझे ट्रस्ट कर सकती हैं। वैसे भी इंसान इंसान के काम आता है, मैं तो इंसानियत के नाते कह रहा हूँ। चलो सारे चलते हैं, हम पैदल चले जाएंगे। थैंक यू सो मच आपके ऑफर का, मगर हम मैनेज कर लेंगे। जैसे आपकी मर्जी। वैसे सारा एक बात है, वो बंदा बड़ा हैंडसम था। कौन बंदा? अरे वही जो हमें लिफ्ट की ऑफर कर रहा था। मैंने उसे तो गौर से नहीं देखा। सब देखा करो लोगों को गौर से। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने लिए लड़का खुद ही पसंद करना पड़ेगा। अम्मी तो तुम्हारी शादी कराने से रही, ठीक हो? सारे हालात तो तुम्हारे सामने ही है ना। इसे बकवास नहीं करो, अम्मी ने सुनिए ना तो पता चलेगा। तो मैं सच ही तो कह रही हूँ। तो इतना सच भी मत बोल कि अगर अम्मी ने सुन लिया ना तो कहेंगी कितनी बड़ी हो गई है। सच में मेरा तो बड़ा दिल चाह रहा है
मेरे हान से कहूं कि सारा का मंगेतर ना कार एक्सीडेंट में मर गया। प्लीज बकवास नहीं कर। अरे मैं बकवास थोड़ी कर रही हूँ। देखो ये जो आरजी तौर पे मंगेतर बनाया ना अम्मी जी ने, इसको मारने में कोई हर्ज नहीं है। और इस बार मैं रेहान से कहूंगी कि आंटी ही रिश्ता लेकर आए, और अब्बू जी को तो मैं खुद से ही बताऊंगी। मायरा फजूल बातें नहीं करो प्लीज। यार ये फजूल कब है? मायरा अगर तुम्हारी सास को शक पड़ गया ना तो तुम्हारी शादी भी खतरे में आ सकती है। क्या मतलब? तुम्हें पता है अम्मी वैसे ही मुझे मनहूस बोलती रहती है। उनको कह देंगी कि हाँ शादी पक्की हुई थी लेकिन उससे पहले लड़का छोड़ के चला गया। फिर तुम्हारी सास क्या सोचेंगी? ये सोचेंगी जैसे बड़ी बहन मनहूस है वैसी छोटी बहन होगी। इसलिए कह रही हूँ फजूल बातें नहीं कर। अल्लाह डराओ तो मत सारा। अम्मी जी आ गई, मैं देखती हूँ। तुम्हें मैंने कितनी मरतबा मना किया है कि दरवाजे पर मत आया करो, सारा को भेजा करो, तू आई हो फिर? अरे क्या हो गया अम्मी जी, सारा भी तो आपकी बेटियों की तरह है, उसमें और मुझे फर्क ही क्या है? शहजादी साहिबा मैंने तुम्हें कितनी मरतबा कहा है कि इसको दरवाजे पे मत भेजा करो, तुम्हारी समझ में मेरी बात क्यों नहीं आती? हड हराम कही की। अरे क्या हो गया अम्मी जी, क्यों डांट रही है इसे? ज्यादा बातें मत बनाओ, चुप करके बैठो। सर सुनने का ना हौसला रखे। देखे अभी भी वक्त है रेहान की कजिन का रिश्ता कबूल कर ले। अम्मी तुमसे ज्यादा अच्छे घर में तो मैं इसे हरगिज नहीं दूंगी। अच्छा अगर इसका रिश्ता मेरे से भी अच्छे घर में होना होगा तो आप क्या कोई भी नहीं रोक सकता। बकवास करते मेरे सामने। मैंने तुम्हें कितनी मरतबा समझाया है मेरे सामने जुबान मत चलाया करो, नहीं तो टंकी से जुबान काट के रखूंगी तुम्हारी। आपके साथ मसला क्या है? क्यों